आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। माँ आप सभी को खुश रखे और इस कोरोना नामक महाबीमारी से आप सभी को दूर रखे। तो मैं आज सबके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ। ये ऐसा टॉपिक होगा कि सारे यूट्यूब में आपको किसी ने नहीं दिया होगा। तो आज का टॉपिक है श्री नरसिंह एवं श्री सुदर्शन महादिग्बंधन उपाय। इस दिग्बंधन से आपको किसी भी साधना में बैठ जाइए, यानी कि मैं वैदिक साधना की बात कर रहा हूँ और किसी दूसरे साधना की बात नहीं कर रहा हूँ। इस उपाय से यानी कि इस दिग्बंधन से आपको ऐसा जो सुरक्षा मिलेगा, स्वयं श्री महावीर नरसिंह बाबा और श्री सुदर्शन महाराज आके आपके सुरक्षा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले जान लेते हैं इस चीज़ के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले आपको ज़रूरत पड़ेगा एक तुलसी की माला की, जो तुलसी की माला होती है वो संस्कारित होनी चाहिए, नहीं तो किसी मंदिर में जाके संस्कारित कर लीजिएगा तुलसी की माला। और एक और जो पीला सरसों होता है वो 150-200 ग्राम का चाहिए, जितना आपको ज़्यादा होगा। एक कटोरी में फूल कर लेना है, ऐसा ही कुछ बड़ा कटोरा लीजिएगा जैसे आपको ज़्यादा समय तक वो पीला सरसों चले। तो पीला सरसों ले लीजिएगा, तुलसी माला ले लीजिएगा। और ये कब करना है, अगर आप चाहें तो चतुर्दशी को कर सकते हैं या फिर संक्रांति को कर सकते हैं। जो संक्रांति होता है, संक्रांति को ये ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक होता है। तो पहले क्या कीजिएगा, आप जो तुलसी माला लेके और जो किसी चतुर्दशी या संक्रांति तिथि को चले जाएगा किसी विष्णु मंदिर, या फिर आपके पास अगर श्री भगवान नरसिंह का मंदिर है तो उधर भी चले जाएगा, नहीं तो विष्णु मंदिर भी चले जाएगा। और उधर जाके आपको क्या करना होगा, उस तुलसी की माला से 101 माला इस जो नरसिंह मंत्र में बोल रहे वाला हूँ, इस नरसिंह मंत्र का जप करना पड़ेगा 101 माला। नहीं तो आप 54 माला भी कर सकते हैं। अगर किसी को 101 माला करने में तकलीफ होते हैं तो वो 54 माला भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जब तो ज़्यादा लाभदायक। तो आप जब जप कर लीजिएगा, फिर अपने हाथ में तुलसी और जल धर के प्रभु को बोलेगा कि हे प्रभु, मैंने जो जप किया है उस जप का जो पावर है, यानी कि जप का ऊर्जा है, उस इस पीली सरसों में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और उसने हाथ में जो तुलसी और जो पानी लिया होगा, उस पानी को उस जो पीली सरसों का एक कटोरी में लिया था, बड़े से कटोरी में, उस कटोरी के ऊपर आप छोड़ दीजिएगा और प्रभु के प्रार्थना कीजिएगा कि जब भी प्रभु, जब भी मैं इस पीली सरसों का यूज करूँगा तो आप मेरे सुरक्षा के लिए खड़े हो जाएगा। और ये सब करके आप उधर से चलेगा। और एक बार जब आप जप करेंगे तो घी का दीपक जलाएंगे और भगवान नरसिंह के लिए जो एक कुछ भोग लेके जाएंगे, पीला भोग लेके जाएगा, जैसे कि जो बूंदी होता है, जो बेसन के लड्डू होते हैं वैसे ही कुछ, या फिर जो रंभा फल बोलते हैं इधर हमको, केला जो बोलते हैं उसको रंभा फल बोलते हैं, उस केला को लेके चले जाएगा और उधर प्रभु को कुछ भोग लगा दीजिएगा, दीपक जलाएगा और ये प्रयोग कीजिएगा और घर पे उस पीले सरसों को लेके चले जाएगा। अब क्या होगा, जब आप साधना में बैठेंगे तो आपको क्या करना होगा, अभी मैं आगे जो मंत्र बोलने जा रहा हूँ उस मंत्र से आपको थोड़ा सा उससे पीली सरसों हाथ में ले लेना है, और मैं जो मंत्र बोलने जा रहा हूँ उस मंत्र से आपको चारों दिशा के और वो ऐसे हाथ घुमा के छींट देना है, यानी कि बिखर देना है। कुछ थोड़ा सरसों लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लीजिएगा, नहीं तो परिवेश ख़राब हो जाता है। तो कुछ थोड़ा सरसों लेके अपने हाथ में लेके चारों तरफ ऐसे छींट दीजिएगा। तो और एक बात, मैंने आपको मंत्र नहीं बताया, जो जिस मंत्र का आप जप करेंगे उस मंत्र सुन लीजिए, ओम क्षोम नृसिंहाय नमः। फिर से बोल दे रहा हूँ, ओम क्षोम नृसिंहाय नमः होगा। तो मैं ये जब मंत्र बोल रहा हूँ इस सब मंत्र में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप उधर से देख लीजिएगा। तो वैसा कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं किस मंत्र से आपको पहले चारों दिशाओं को भूत प्रेतों से सुरक्षा करना है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, सुन लीजिएगा ठीक से, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। ओम क्षोम नृसिंहाय नमः, ओम क्षोम नृसिंहाय नमः। आपकर्बन्धु ते भूता जे भूतमिशंसिता, जे भूता विघ्नकर्ता ते न सन्तु शिवज्ञया, राक्षस पिशाच वेतालाश श्रीशृपा। आपकर्बन्धु ते सर्वे ब्रह्मकर्मं समारभेत्। ओम क्षोम नृसिंहाय नमः, ओम क्षोम नृसिंहाय नमः, ओम क्षोम नृसिंहाय नमः। ये बोल के आप उस पीली सुरस को चारों तरफ, इन चारों सब दिशाओं कर ऐसे बीच देंगे, तो फिर
तो ऐसा करने से आप लोगों का जो चारों दिशाओं से जो कुछ नेगेटिव एनर्जी होगा वो हट जाएगा। तो अब कर चलिए जानते हैं कि किस तरह से आप सभी लोग चारों दिशाओं को यानी कि 10 दिशाओं को सुदर्शन महामंत्र से कैसे बनते हैं। अब जो सुदर्शन का महाप्रयोग होगा तो अपने हाथ में एक रक्त पुष्प लीजिएगा। रक्त पुष्प लेने के बाद वो मैं अभी जो मंत्र बोल रहा हूँ उस मंत्र से बोलकर अपने जो इष्ट देवता हैं इनके पादों में चढ़ा दीजिएगा। और फिर से जो करना है बताऊंगा आगे। तो पहले लाल फूल लीजिएगा और इस मंत्र से चढ़ा दीजिएगा। मंत्र सुन लीजिए। ओम सुदर्शन मह ज्वलम कोटिसृज्यम समप्रभम अज्ञानंदस्य मे देवम विष्णु मार्गम प्रदर्शयेद। इस मंत्र से उस लाल फूल को अपने इष्ट के बाद में चढ़ा दीजिएगा और सुदर्शन महाराज से बोलेगा कि हे प्रभु, मेरे जो इस साधना करने जा रहा हूँ इस साधना से मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए। तो अब क्या करेगा, अपने हाथ में 3 बार ताली मारेगा। ताली किस मंत्र से मारना है, ओम सुदर्शनाय अस्त्राय फट, ओम सुदर्शनाय अस्त्राय फट। इस मंत्र से आपको 3 बार ताली मारना है। तो कैसे मारेंगे, ओम सुदर्शनाय अस्त्राय फट एक बार ताली मारा, फिर बोलेंगे ओम सुदर्शनाय अस्त्राय फट फिर से एक बार ताली मारा, ओम सुदर्शनाय अस्त्राय फट फिर बोलेंगे फिर एक बार ताली मारा। तो इस तरह 3 बार ताली मार के फिर से अपने हाथ में उस पीली सरसों को ले लीजिएगा और अपने हाथ में लेके फिर से 3 बार क्षुण और सिंहाय नमः इस मंत्र का 3 बार जाप करके अब पीली सरसों छोड़ दीजिएगा। तो किधर किधर छोड़ना है, जिस जिस दिशा में बता रहा हूँ उस दिशा में छोड़ने जाना है। और मंत्र सुन लीजिएगा, मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और उस मंत्र के साइड में लिख दूंगा कि एक मंत्र बोल के किस दिशा में आपको छोड़ना है। तो मंत्र सुन लीजिए, ओम ऐन्द्र दिशा चक्रेण बंधयामि नमश्चक्राय स्वाहा, ओम जम दिशा चक्रेण बंधयामि नमश्चक्राय स्वाहा, ओम अग्नि दिशा चक्रेण बंधयामि नमश्चक्राय स्वाहा, ओम निर्द दिशा चक्रेण बंधयामि नमश्चक्राय स्वाहा, ओम वारुण दिशा चक्रेण बंधयामि नमश्चक्राय स्वाहा, ओम वायव्य दिशा चक्रेण बंधयामि नमश्चक्राय स्वाहा, ओम कौबेर दिशा चक्रेण बंधयामि नमश्चक्राय स्वाहा, ओम ईशान दिशा चक्रेण बंधयामि नमश्चक्राय स्वाहा, ओम ऊर्ध्वं दिशा चक्रेण बंधयामि नमश्चक्राय स्वाहा, ओम अधो दिशा चक्रेण बंधयामि नमश्चक्राय स्वाहा। अब इस मंत्र बोल के चारों तरफ जो जिस जिस दिशा में इंद्रिय बोला तो पूर्व होगा, अग्नि बोला तो अग्नि दिशा में अग्नि कोण में होगा, जमे बोला तो जमे कोण में होगा। इस तरह से आप उस पीली सरसों को चारों तरफ छींट दीजिएगा और बाकी सब होगा उस तरफ छींट के अपने हाथ में फिर से एक लाल फूल लीजिएगा और बोलिएगा फिर से मैं मंत्र जो बोल रहा हूँ उस मंत्र से बोलिएगा। और मैं इस मंत्र को भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, उधर से आप देख लीजिएगा। तो इस मंत्र से बोलेगा, ओम इंद्रमापा तो दिख पूर्वे अग्नि अग्निदेवता जम्यो जम्यो सदापा तो नैरुत्तम नृतम प्रभो वरुणो वरुणो रक्षित बाजभ्ये बाजुदेवता उत्तरम श्रीधनदापा तो ऐसन्यमेश्वर हो प्रभो ऊर्धे पितामहं दातो अंतो विभूषदा एवं दश दिशो रक्षित कुर्वन्तु देवता गणाः नरसिंहाय नमः। इस तरह से आप बोल के उस जो लाल फूल लिए होंगे उस फूल को अपने इष्ट के चरणारविंद में छोड़ दीजिएगा 10 दिगपाल से और भगवान सुदर्शन महाराज से प्रार्थना कीजिएगा कि हे सुदर्शन महाराज, आज मेरा ये साधना मैं करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और जय माँ चंडी, जय शंकर, माँ सभी को खुश रखें और इस कोरोना नामक महाबीमारी से आप सभी को दूर रखें। जय माँ चंडी, जय शंकर।